खेलो इंडिया एवं एशियन चैंपियनशिप प्रतियोगिता के अंतर्गत 10वीं राष्ट्रीय कैनी सलालम चैंपियनशिप का आयोजन 17 दिसंबर से होना था, जिसमें प्रशिक्षण के दौरान एक प्रतिभागी सहस्त्रधारा ट्रैक में डूब गया है। प्रशासन द्वारा दूसरे दिन भी सर्चिंग जारी है। 17 दिसंबर से प्रतियोगिता का आयोजन होना था, जिसकी तैयारियों में जुटे खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी कनिष्क, उम्र 17 वर्ष, निवासी दिल्ली का प्रतिभागी 10वीं राष्ट्रीय केनो सलालम प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए टीम के साथ खरगोन जिले के महेश्वर पहुंचा था, जो प्रशिक्षण के दौरान सहस्त्रधारा ट्रैक में डूबा। दूसरे दिन गुरुवार को भी पुलिस, एचडीआर टीम एवं गोताखोरों द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर सर्चिंग की जा रही है। कसरावत से अकील खान की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।